नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं न्यू टेक एंड ट्रिक्स। अगर आप बाइक राइड करते हैं तो आप हेलमेट का यूज़ ज़रूर करते होंगे और ये ज़रूरी भी है। क्या आप ये जानते हैं कि ओरिजिनल हेलमेट की पहचान क्या होती है? अगर आपको ओरिजिनल और फेक हेलमेट में अंतर नहीं पता है तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दें, हेलमेट के फोर स्टैंडर्ड होते हैं जिनका यूज़ अलग अलग पर्पस के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड की, जो है आपका नॉन मेटल हेलमेट फॉर फायरमैन एंड सिविल डिफेंस पर्सनल। इसका नंबर है IS 2745। जो सेकंड स्टैंडर्ड है आपका वो है इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेलमेट्स, इसका नंबर है IS 2925। जो थर्ड स्टैंडर्ड है वो है आपका प्रोटेक्टिव हेलमेट्स फॉर मोटरसाइकिल राइडर्स, इसका नंबर है IS 4151। जो फोर्थ स्टैंडर्ड है वो है आपका नॉन मेटल हेलमेट फॉर पुलिस फोर्स, इसका नंबर है IS 9562। तो चलिए बात करते हैं कि अगर हमें हेलमेट को पहचानना है कि ये ओरिजिनल है या फेक, तो पहचानना बहुत ही आसान है। आपको हेलमेट के बैक साइड में देखना है। सबसे पहले आपको स्टिकर देखना है जिस पर लिखा रहता है जेन्युइन या फिर ओरिजिनल। उसके बाद आपको चेक करना है कि जो स्टैंडर्ड का आप हेलमेट ले रहे हैं उसका स्टैंडर्ड नंबर उस पर लिखा हुआ है या नहीं। तो जैसे अगर आप मोटरसाइकिल के लिए अगर आप हेलमेट खरीद रहे हैं तो उसका जो स्टैंडर्ड नंबर है वो है आपका IS 4151, ये आपको देखना है। इसके बाद में आपको देखना है कि ISI मार्क होना चाहिए, लेकिन ISI मार्क को आपको इस बात का ध्यान देना है कि वो ऐसा स्टिकर नहीं होना चाहिए कि जो हटाया जा सके, वो उसी में प्रिंट होना चाहिए। जो सबसे लास्ट में जो आपको चेक करना है वो आपको देखना है सेंट्रल मास लाइसेंस, जो कि 7 डिजिट का होता है। अगर ये चारों चीज़ें आपके हेलमेट पे पाई जाती हैं तो इसका मतलब है कि जो आप हेलमेट ले रहे हैं या जो आपने खरीद लिया है वो आपका हेलमेट ओरिजिनल है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।